देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन आगामी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है। लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 1,020 किलोमीटर की होगी। इस तरह से 6-लेन एक्सप्रेस वे की सौगात वाराणसी और प्रयागराज के लोगों को मिलने वाली है। 2 चरणों में इस परियोजना को पूरा किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बीते जनवरी में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। पहले चरण में 596 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे का निर्माण होने वाला है। इसके जरिए शाहजहांपुर, फरुखाबाद, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मेरठ, हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर, रायबरेली, संभल, हरदोई और बदायूं जिले जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेस वे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। बता दें कि मेरठ के शंकरपुर गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 235 से इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत हो रही है। प्रयागराज जिले में सोराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 330 पर जाकर ये एक्सप्रेस वे खत्म होगा। एक्सप्रेस वे का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इसमें 110 किलोमीटर लंबी सड़क को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें प्रयागराज से बलिया तक 314 किलोमीटर की एक सड़क बनने वाली है। इसके अलावा तिगड़ी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनने वाली है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये भी होने वाली है कि इसमें दोनों किनारों पर वृक्ष लगे हुए दिखेंगे। इस तरीके से ये हरियाली से घिरा हुआ रहेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। हमारी ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।